हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समग्र शिक्षा। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान से बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है और वीडियो में अंडमान निकोबार में ये वैकेंसी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस तरह लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका जो पोस्ट है वो वोकेशनल टीचर का पोस्ट है। इसके लिए आपका आईटी का जो 6 पोस्ट है उसके लिए एमएससी, एमसीए, एमई, एमटेक ये क्वालिफिकेशन चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा और बीएससी कंप्यूटर आईटी इंटीग्रेटेड बीएससी बीग्री प्लस कंप्यूटर आईटी बीसीए बीई और बीएससी इन साइंस स्ट्रीम और विथ 1 ईयर पीजी डिप्लोमा। इस तरह आपका क्वालिफिकेशन चाहिए आईटी के लिए। और ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए आपका मास्टर डिग्री इन टूरिज्म मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क और ग्रेजुएट इन टूरिज्म मैनेजमेंट और ग्रेजुएट इन स्ट्रीम विथ 50% मार्क और बीडी मिनिमम आपका अगर बीडी है तो आप प्रिफरेबल है। और एग्रीकल्चर में आपका 2 पोस्ट वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। और उसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ये आपका 50% और ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विथ 50% बीडी डिसेबल है। आपका सैलरी रहेगा 25,000 पर मंथ। और पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर का जो पोस्ट है वो वर्क एजुकेशन के लिए 4 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन 1 ईयर डिग्री 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन टेलरिंग और एम्ब्रॉयडिंग और बम्बू एंड कैन वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन डिजरेबल मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। और आर्ट एजुकेशन के आपका 32 पोस्ट है। उसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन प्लानिंग फाइन आर्ट म्यूजिक वोकल और ग्रेजुएशन विथ आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट म्यूजिक वोकल ये सब डिग्री में होना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन के लिए आपका 4th पोस्ट है जो आपका बीपीई और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आपका सैलरी रहेगा 21,339 और जो और एक वैकेंसी है इंग्लिश का, इंग्लिश 6 पोस्ट वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए आपका मंगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एलोंग विथ बीडी हैविंग 50% मार्क एंड 10 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मंगा हुआ है और ग्रेजुएशन इन इंग्लिश और विथ बीडी 50% मार्क आपका प्लस 20 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। हिंदी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी अलोंग विथ बीडी हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन इन हिंदी प्लस बीडी हैविंग 50% मार्क प्लस 20 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। मैथ के लिए आपका 6 पोस्ट है। उसके लिए आपका ग्रेजुएशन इन मैथ और बीडी विथ 50% मार्क और ग्रेजुएशन विथ मैथ विथ 50% मार्क प्लस बीडी। और साइंस के लिए आपका 6 पोस्ट है। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी विथ बीडी आपका अनिवार्य है और ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बीडी। और सोशल साइंस की 4 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एलोंग विथ बीडी और ग्रेजुएशन प्लस ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स ये होने के बाद आपका 50% इन बीडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एलिमेंट्री लेवल के आपका 6 पोस्ट है। बुक ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विथ एलोंग विथ डीएलईडी बीटी हैविंग 50% मार्क एंड 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी स्कूल प्लस सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विथ डीएलईडी जेबीटी हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क। तो इसके लिए आपका सैलरी रहेगा 29,400। सीआरपी के लिए आपका ग्रेजुएशन 38 पोस्ट है। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट प्लस बीडी विथ 50% मार्क आपका होना चाहिए। सैलरी रहेगा 29,441 और प्राइमरी वैकेंसी एक है आपका 12 पास प्लस डीएलईडी और स्पेशल एजुकेशन मांगा हुआ है। और अपर प्राइमरी के 1 पोस्ट है। उसके लिए आपका ग्रेजुएशन विथ बीडी स्पेशल एजुकेशन और सेकेंडरी के वैकेंसी 3 पोस्ट है। उसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ बीडी स्पेशल एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी के 5 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन विथ बीडी और
इतने सारे पोस्ट हैं आपका, आप ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो andaman.gov.in वेबसाइट से। और जो आवेदन करने का आपका अंतिम तिथि है वो 11/11/19 है, और अप्लाई करने के लिए आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो www.recruitment.andaman.gov.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।